Good morning students. Today we can start about plant growth hormone. It is a new lecture. First of all, what is plant growth hormone? Plant growth hormone is a signal molecules. First of all, plant growth hormone is a signal molecules that produce in plant and it present at extremely low concentration. So what is the definition of plant growth hormone? Plant growth hormone is a signal molecules that produce within the plants and it present at extremely low concentration. And it is also known as plant growth hormone is also known as phytohormones. What is phytohormones? So you can understand about plant growth hormones. Now we can start one by one different plant growth hormones. Basically five types ke plant growth hormones hote hain. First of all, auxin. Second one is cytokinin. Third one is gibberellin. Fourth one is ABA, abscisic acid. Fifth one is ethylene. First three, that is plant growth promoting hormone. Plant growth promoting hormone. And last one is growth inhibitors hormones. ये जो तीनों जो first auxin, cytokinin और gibberellin ये plant की growth को promote करते हैं. Next जो two है ABA और ethylene. ये प्लांट की ग्रोथ को सफ्रेस करते हैं, इसलिए इनको प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन बोलते हैं. नेक्स्ट जो लास्ट के जो टू है उनको ग्रोथ इनहिबिटर्स या प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन कहते हैं. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑक्सिन से. हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सिन. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑक्सिन किसने डिस्कवर किया? डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स डार्विन. सेकेंड थिंग इज ऑक्सिन इज ए ग्रीक वर्ड. विच मीन्स इसका मतलब क्या है? ऑक्सिन क्या है? एक ग्रीक वर्ड है. और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू इंक्रीज और टू ग्रो. या तो हम कह सकते हैं टू इंक्रीज या कह सकते हैं टू ग्रो. सेकेंड थिंग इन ऑक्सिन, ऑक्सिन का जो फर्स्ट जो आइसोलेशन किया प्लांट्स के अंदर वो किसने किया था? एफ वेंट ने किया था. ये साइंटिस्ट का नाम है एफ वेंट. इन्होंने इसका फर्स्ट टाइम आइसोलेशन किया था प्लांट्स में. और कौन से प्लांट में किया था? ओट के अंदर किया था, एवेना सेटाइवा. ओट में भी किसमें? ओट के कोलियोप्टाइल में. इसमें किया था कोलियोप्टाइल में. कौन से ईयर में किया था? 1920 में ओट में कोलियोप्टाइल के अंदर. और ह्यूमंस की बात करें कि इसका एनिमल्स की बात करें तो ह्यूमन यूरिन में इसको आइसोलेट किया है सबसे पहले. ह्यूमन यूरिन प्लांट्स एफडब्ल्यूएंट ह्यूमन. और एनिमल्स की बात करें तो ह्यूमन यूरिन में. ऑक्सिन अगर नेम की बात की जाए, ऑक्सिन नेम किसने दिया है? तो ऑक्सिन नेम किसने दिया है? एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है कोगल. क्या नाम है? कोगल. इसने ऑक्सिन नाम दिया है कोगल, KOGL. इसके बाद देखें ऑक्सिन तो ये फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन है. जितने भी पांच हार्मोन में उनमें सबसे पहले डिस्कवर्ड या सबसे पहले डिस्कवरी इस हार्मोन की हुई थी. तो ये फर्स्ट
फर्स्ट प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो डिस्कवरी जिसकी हुई है कौन सा है? ऑक्सिन। ये क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। दूसरी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है थ्योरी है एसिड ग्रोथ थ्योरी। एसिड ग्रोथ थ्योरी, एसिड ग्रोथ थ्योरी, एसिड ग्रोथ थ्योरी किस प्लांट ग्रोथ हार्मोन के लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो कौन सा प्लांट ग्रोथ हार्मोन है? ऑक्सिन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, इसका सिंथेसिस कहां होता है? ऑक्सिन का सिंथेसिस कहां होता है? तो ऑक्सिन का सिंथेसिस होता है एपिकल रीजन में। एपिकल रीजन, अब एपिकल रीजन कौन सा हो गया? जो पार्ट, जो टॉप पोर्शन है, जो बड वाला जो पार्ट है वो हो गया एपिकल रीजन और रूट टिप। कुछ कुछ टाइम पे इसका जो फॉर्मेशन या थोड़ा बहुत अमाउंट जो है कहां फॉर्मेशन होता है? उसका रूट टिप पे भी होता है। तो रूट टिप और इसके एपिकल रीजन में इसका फॉर्मेशन होता है। इसके बाद अगर हम इसके ट्रांसपोर्ट को देखें कि इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो बेसिपेटल मूवमेंट होता है। इसका मूवमेंट कैसा होता है? बेसिपेटल, बेसिपेटल मूवमेंट। बेसिपेटल मूवमेंट होता क्या है? देखो ये हमारी ग्राउंड सरफेस है। ये क्या है? ग्राउंड सरफेस। ग्राउंड सरफेस से ये उस पर प्लांट है, ये उसकी रूट्स है। तो जब कोई भी हार्मोन का मूवमेंट टॉप पोर्शन से ग्राउंड सरफेस या बेसल पोर्शन की तरफ मूवमेंट होगा, या फिर नीचे अगर रूट्स की बात करें तो भी नीचे से ऊपर की तरफ, इट मींस मूवमेंट कहाँ होना चाहिए? ग्राउंड सरफेस पे। ऊपर की बात करो तो टॉप पोर्शन टू बेसल पोर्शन, यहाँ बात करो तो रूट, रूट टिप टू बेसल पोर्शन ऑफ रूट। सच टाइप ऑफ मूवमेंट्स, इसको मूवमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? बेसिपेटल मूवमेंट्स। तो बेसिपेटल मूवमेंट्स ऑक्सिन में होता है। नेक्स्ट बात करें हम नेटिव ऑक्सिन्स की, तो नेटिव ऑक्सिन कौन कौन से हैं जो कि एक तरह से प्लांट्स में पाए जाते हैं जो नेचुरल है? कौन कौन से? आई ए ए इंडोल एसिटिक एसिड और IBA इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, ये दोनों नेचुरल ऑक्सिन है। अगर सिंथेटिक ऑक्सिन की बात करें या कृत्रिम ऑक्सिन की बात करें, तो कृत्रिम ऑक्सिन कौन कौन से हैं? कृत्रिम ऑक्सिन बहुत सारे हैं, जो कि देखिए आप NAA हो सकता है, 2,4-D जो कि एक हर्बिसाइड से वो हो सकता है, 2,4,5-T, ये सारे क्या है? सिंथेटिक ऑक्सिन है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑक्सिन प्रोडक्शन पाथवे। ऑक्सिन कौन कौन पाथवे से बनता है? तो तीन तरह के पाथवे हैं जिनसे ऑक्सिन बनता है। कौन कौन से? फर्स्ट है, फर्स्ट जो पाथवे है उसका नाम है इंडोल थ्री एसीटेमाइड पाथवे। पहला पाथवे कौन सा हो गया? इंडोल थ्री एसीटेमाइड पाथवे। दूसरा पाथवे जो है इंडोल थ्री पाइरुविक एसिड पाथवे। थर्ड जो पाथवे है वो कौन सा हो गया? इंडोल थ्री एसिटोलेक्सामाइन पाथवे। ये तीन तरह के पाथवे हैं जिनसे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं अगर साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन का रेशियो जो कि एक्स प्लांट्स के अंदर, जब हम टिश्यू कल्चर की बात करते हैं तो टिश्यू कल्चर के अंदर ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का रेशियो अगर हम मैनिपुलेट करते हैं तो उससे प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो देखो कोई भी एक्स प्लांट है, ये हमारा एक्स प्लांट है, ये क्या है? एक्स प्लांट। अब इस एक्स प्लांट को हमने कोई मीडिया में रख दिया, ये हमारा कोई एक जार है या कोई बीकर्स है, इस मीडियम में एक्स प्लांट को रख दिया है। अब इसमें अगर हम रेशियो रख रहे हैं ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का, अगर हमने रेशियो ऐसा रखा है कि ऑक्सिन ज्यादा है किससे? साइटोकाइनिन से। सॉरी फॉर इंटरप्टेशन, मैं एक मिनट मारकर दूसरा ले आता हूं क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा है। सॉरी, देखिए ये हमारे पास जा रहा है, इसमें ये हमारा एक्स प्लांट है। अब इस एक्स प्लांट को अगर हम इसमें रेशियो देखें, अगर ऑक्सिन का हाई रेशियो है और साइटोकाइनिन का रेशियो कम है, तो किसका फॉर्मेशन होगा? रूट का फॉर्मेशन होगा।
क्या बनेगा, रूट बनेगा। और हम बात करते हैं अगर ऑक्सिन कम है और साइटोकाइनिन ज्यादा है तो किसका फॉर्मेशन होगा, शूट का फॉर्मेशन होगा। अगर हम बात करें ऑक्सिन इक्वल टू साइटोकाइनिन, अगर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों इक्वल है तो किसका फॉर्मेशन होगा, किसी का फॉर्मेशन नहीं होगा, केलस का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ना तो रूट बनेगी प्लांट्स में, ना ही शूट बनेगा, और उस टाइम पे क्या हो जाएगा, केलस का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का एक मास बन जाएगा जिसमें हम डिफरेंशिएशन नहीं देख सकते बिल्कुल भी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सिन के अंदर रोल ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन के क्या क्या रोल है, देखो रोल तो ऑक्सिन के क्या क्या रोल है। फर्स्ट रोल तो यह है, ये प्लांट्स के अंदर फ्रूट या फ्लावर्स को ड्रॉप, जो ड्रॉप हो रहे हैं, जो गिर रहे हैं, उनको ड्रॉप होने से बचाता है, चेकिंग द फ्लावर एंड फ्रूट ड्रॉप, जो फ्लावर या फ्रूट जो ड्रॉप हो रहे हैं उनको गिरने से बचाता है। दूसरा पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी पार्थेनोकार्पी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पार्थेनोकार्पी क्या है, सीडलेस जो फ्रूट्स का प्रोडक्शन किया जाता है उसे पार्थेनोकार्पी बोलते हैं, तो इसके लिए ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड पॉइंट जो है वो है एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस क्या है, एपिकल डोमिनेंस के अंदर प्लांट्स, कोई भी प्लांट्स में एपिकल डोमिनेंसी अगर हो रही है, एपिकल डोमिनेंसी है तो उसमें प्लांट्स का क्या होगा कि उसके अंदर जो लेटरल ग्रोथ है प्लांट्स की, जैसे कोई भी एक प्लांट है तो इसकी जो लेटरल ग्रोथ है, ये लेटरल जो ब्रांचेज है ये नहीं होगी, उसके अंदर ये लेटरल ग्रोथ जो है एक तरह से स्ट्रिक्टली बैन हो जाएगी, और जो ये ग्रोथ जो है उसके एपिकल रीजन की ये कंटिन्यूस चलती रहेगी, तो प्लांट की हाइट काफ़ी बढ़ जाती है, तो इसके लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है, ऑक्सिन। नेक्स्ट बात करते हैं तो रूट, ये किसको प्रमोट करता है, रूट इनिशिएशन को प्रमोट, रूट इनिशिएशन, और इसमें पर्टिकुलरली आईबीए, आईबी जो ग्रोथ हार्मोन है वो रूट इनिशिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हम बात करें तो ये अगर हायर डोज पे ऑक्सिन को यूज किया जा रहा है तो ये एक हर्बिसाइड के जैसा बिहेव करता है, इट एक्ट एज ए हर्बिसाइड एट हायर डोज, हायर डोज लाइक 240 और 245T, 240 और 245T की हायर डोज पे यूज करेंगे तो वो एज ए हर्बिसाइड यूज कर काम करता है ये। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो ये डिफोलिएटिंग या फिर डिफोलिएंट एजेंट का काम भी करता है, किसका काम करता है, इट एक्ट एज ए डिफोलिएंट एजेंट इन कॉटन, कॉटन के अंदर जो उसके पत्तों को अगर उसे डिटेच करना हो, डिफोलिएशन करना हो, तो उसके लिए भी ऑक्सिन काम करता है। तो ये हमारा आज ऑक्सिन का लेक्चर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर लिए हैं, और इसकी मुझे पता है क्लियरिटी साफ नहीं है, इसलिए कुछ जो आपको PDF सेंड कर दी जाएगी तो आप उससे और ज़्यादा आप देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।